بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد هاي حيدر के जनाजे पे अजब मंजर था, बेटियां खदमों से लिपटी थी बसद आहो बुका, बढ़ के शबर ने जो चेहरे कफन बंद किया, देख कर भाई के चेहरे को ये ज़ैनब ने कहा, रुक से एक बार कफन और हटा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया, रुक से एक बार कफन और हटा दो चेहरा दिखा दो भैया, आज बाबा जो मेरे घर से चले जाएंगे फिर मुझे शाम गरीबा में नजर आए, इतने दिन कैसे गुजारूंगी बता दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया, जैसे अम्मा शिफाना की, क्या ये मुमकिन है कि उठ जाए मेरे बाबा भी, मेरी चादर मेरे बाबा पे उड़ा दो भैया, मेरे मुझे चेहरा दिखा दो भैया, हाय शबीर से ज़ैनब ने कहा रो रो कर, सूना लगता है अमामा के बिना बाबा सर, सर पे बाबा के अमामा तो सजा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया, आ रही हो सदा सुन के मेरी, सर पे बाबा के न पड़ जाए नजर अम्मा की, जख्म अम्मा की निगाहों से छुपा दो भैया, मेरे बाबा
चेहरा दिखा दो भैया, गम में बाबा के तड़पता है, जरा देखो तो दूर बैठा है, बुला लो मेरे काजी को पास कुछ दे। चेहरा दिखा दो भैया, रुख से एक बार कफन और हटा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। खून बाबा की जबी से वो गिरा था जिस पे, अपने बाबा की निशानी में बना लूंगी उसे, मेरे बाबा का मुसल्ला मुझे ला दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। घर से जाता था जनाजा जो अली का बाहर, घर से जाता अली के बाहर, बेटियां कहती थी जीशानों रजा रो रो करे, आखिरी बार तो बाबा से मिला दो भैया, मेरे बाबा मुझे चेहरा दिखा दो भैया। रुख से एक बार कफन और हटा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो। कूफे के गलियों में कोहराम है, कूफे की गलियों में कोहराम है, कूफे के गलियों में कोहराम है, कूफे की गलियों में कोहराम है। उठ गया बाप का सर से साया, आज ज़ैनब यतीम हो गई, आज ज़ैनब यतीम हो गई, आज ज़ैनब यतीम हो गई। रो रहे हैं ये मेहराब मिंबर, कह रहे हैं ये जिब्रील रोकर, इब्ने मुल्जिम ने ये जुल्म ढाया, आज ज़ैनब
अर्श पर मुस्तफा रो सबके सब अंबिया रो है फरिश्ते में को राम बरपा आज ज़ैनब यदी हो गई आज ज़ैनब यदी हो गई कोई कुल सो रो रहे
آج شہزادیاں ہیں پریشان شاہ ذیشان، آج شہزادیاں ہیں پریشان شاہ ذیشان، اٹھ کے تسکین دو بحر دابر رو رہے ہیں، آج کوفے میں شبیر و شبر رو رہے ہیں، چھوڑ کر ہم کو بابا سدارے بے سہارے، چھوڑ کر ہم کو بابا سدھارے بے سہارے، بیٹیاں فاطمہ کی یہ کہہ کر رو رہے ہیں، آج کوفے میں شبیر و شبر رو رہے ہیں، یتیموں کے بیووں کے والی شاہ عالی، ہے یتیموں کے بیووں کے والی شاہ عالی، اب نہ بارس رہا کوئی سر پر رو رہے ہیں، آج کوفے میں شبیر و شبر رو رہے ہیں، ہے جنازے پہ ایک شور برپا بے قصوں کا، ہے جنازے پہ ایک شور برپا بے قصوں کا، باپ سے لپٹے شبیر و شبر رو رہے ہیں، آج کوفے میں شبیر و شبر رو رہے ہیں، خاک اڑاتے ہیں سر پر نواسے مصطفیٰ کے، خاک اڑاتے ہیں سر پر نواسے مصطفیٰ کے، گھر سے جاتا ہے تابوت حیدر رو رہے ہیں، آج کوفے میں شبیر و شبر رو رہے ہیں، اے حمایت عزادار حیدر پیٹ کر سر، اے حمایت عزادار حیدر پیٹ کر سر، آج اس طرح نوحے کو سن کر رو رہے ہیں، آج کوفے میں شبیر و شبر رو رہے ہیں، باپ کو اپنے زہرا کے دل بر کیوں نہ ہو ہر طرف شور گریا، اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ،
कब्र में रोती है रूह जहरा, उठ रहा है अली का जनाजा, क्यों ना हो हर तरफ शोर है
मुश्किल कुशा मारे गए। हैफ है सद हैफ है मुश्किल कुशा मारे गए। ज़ैनबे कुबरा ये सर को पीट कर कहने लगी, ज़ैनब कुबरा ये सर को पीट कर कहने लगी, छोड़ कर माँ चल बसी बाबा भी क्या मारे गए। छोड़ कर माँ चल बसी बाबा भी क्या मारे गए। हो गए बिन बाप के कोई नहीं अपना यहाँ, करते हैं हसने मारे गए। करते हैं हसने नियो शोरूम का मारे गए। मस्जिदे कुफा में छाई है फिजाए और मुसल्ला रो रहा है पेशवा मारे गए। और मुसल्ला रो रहा है पेशवा मारे गए। सजदे माबूद में ऐ मीर ज़ुल्मो जबर की, सजदे माबूद में ऐ मीर ज़ुल्मो जबर की, खाके सर पर तेग शाह लाफता मारे गए। खाके सर पर तेग शाह लाफता मारे गए। हो गया
زینب تڑپ کے کہتی ہے حسنین سے یہی، زینب تڑپ کے کہتی ہے حسنین سے یہی، بابا ہمارا ہم سے جدا ہو گیا ہے آج، ضربت لگی ہے سجدے میں ضربت لگی ہے سجدے میں ہے مضطرب امام، مسجد میں زخمی شیر خدا ہو گیا ہے مولا ہو گیا ہے آج، اب مشکلوں میں کون مددگار ہوئے گا، مشکل کشا ہمارا جدا مشکل کشا ہمارا جدا ہو گیا ہے آج، اپنے سروں کو پیٹ کے کہتے ہیں یہ یتیم، اپنے سروں کو پیٹ کے کہتے ہیں یتیم، وارث ہمارا ہم سے جدا ہو گیا ہے، در بپا ہے کوفے میں محشر کا ایک سما، سایہ خدا کے شیر کا جو اٹھ گیا ہے آج، سایہ شیر کا جو اٹھ گیا ہے آج، مولا ہمارا ہم سے جدا ہو گیا صدا ہو بکا،
बढ़ के शबर ने जो चेहरे से कफन बंद किया, देख कर भाई के चेहरे को ये ज़ैनब ने कहा, रुख से एक बार कफन और हटा दो भैया, मेरे बाबा जो मेरे घर से चले जाएंगे, आज बाबा जो मेरे घर से चले जाएंगे, फिर मुझे शाम गरीबा में नजर आएंगे, इतने दिन कैसे गुजारूंगी बता दो भैया, जैसे अम्मा के रिदा में थी शफा नाना की, क्या ये मुमकिन है उठ जाए मेरे बाबा भी, मेरी चादर बखिया से सदा सुन के मेरी, आ रही होगी बखिया से सदा सुन के मेरी, सर पे बाबा के न पड़ जाए नजर अम्मा की, जख्म अम्मा की निगाहों से छुपा लो भैया, तड़पता है जरा देखो तो, गम में बाबा के तड़पता है जरा देखो तो, दूर बैठा है बुला लाओ मेरे गाजी को, पास कुछ दे
खून बाबा की जबी से वो गिरा था जिस पे अपने बाबा की निशानी मैं बना लूंगी से मेरे बाबा का मुसल्ला मुझे ला दो भैया मेरे बाबा का मुझे चेहरा लिखा दो से जाता था जनाजा जो अली का बाहर घर से जाता था जनाजा जो अली का कहती थी जीशानो रजा रो रो कर आखिरी बार तो बाबा से मिला दो अजब धूम है फरियाद फोगा की 21वीं तारीख है माह रमजान की रुखसत है शहदी से शहे कौनो मका की भेजा सलाम इमाम को रिफअत है खुदा की जालिम का चलावार यदुल्लाह के सर पर सजदे में लगी तेग सदुल्लाह के सर पर आलम में अजब धूम है फरियादो फुगां की 21वीं तारीख है माह रमजान की मौला का जिस्म जहर से था सब्ज सरबसर बेताब बेखरार थे हर शाम हर सहर शिद्दत का जख्म जिस्म में और जहर का असर सर थाम कर तड़पते रहे शाह बहरोबर वो खून बह गया था कि रुख जर्द हो गया मौलाए कायनात का तन सर्द हो गया आलम में अजब धूम है फरियादो फुगां की 21वीं तारीख है माह रमजान की जाहिर है मेरे मौत के आसार अलविदा अल्लाह तुम सबों का निगहबान अलविदा ऐ अहले बैत अहमद ज़ीशान अलविदा जाने को है बदन से मेरी जान अलविदा आया फरिश्ता मौत का रहमत के साए हैं जाते हैं हमको अंबिया लेने को आए हैं आलम में अजब धूम है फरियादो फुगां की
21वीं तारीख है माह रमजान की। बस कलमा गो हुए हैं अली वा मुसीबता, एक सर्ग आह शाह ने की वा मुसीबता, रंगत तमाम सर्द हुई वा मुसीबता, शह के बदन से जान गई वा मुसीबता, मुश्किल कुशाए खल्क जहां से गुजर गए, नफ्से रसूल हैदर कर्रार मर गए, आलम में अजब धूम है फरियादों फुगा की। 21वीं तारीख है माह रमजान की। ज़ैनब पुकारी चल बसे तुम हाय बाबा जान, इस खल्क से गुजर गए तुम हाय बाबा जान, क्या दाग दिल पे धर गए तुम हाय बाबा जान, मुझको यतीम कर गए तुम हाय बाबा जान, अम्मा के आज रोने की आवाज आती है, फरियाद माँ की हाय मेरा दिल दुखाती है, आलम में अजब धूम है फरियादों फुगा की। 21वीं तारीख है माह रमजान की। कूफे में उठ रहा है जनाजा इमाम का, मरखद को जा रहा है जनाजा इमाम का, दिल को दुखा रहा है जनाजा इमाम का, सबको रुला रहा है जनाजा इमाम का, मिलकर फरिश्ते शह का जनाजा उठाते हैं, और साकिनाने खुल्द भी आंसू बहाते हैं, आलम में अजब धूम है फरियादों फुगा की। 21वीं तारीख है माह रमजान की। कहते हैं ये फकीर के दाता न जाइए, रोते हैं सब असीर के शाह न जाइए, चिल्लाते हैं यतीम के आका न जाइए, आखा न जाइए मेरे मौला न जाइए, हम है यतीम खाक सरों पर उड़ाते हैं, मौला अली मजार में सोने को जाते हैं, आलम में अजब धूम है फरियादों फुगा की। 21वीं तारीख है माह रमजान की। اللهم لا خطأ الأمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه الصلاة والسلام। القصة گھر میں دوریے اس درجہ خون فرق علی سے روان ہوا، گلگون لباس بادشاہ سو جا ہوا، 21वीं شبائی تو محشر دن گزر گئے پانا بو غذا ملی، شیوں کے چارہ ساز کو اچھی دوا ملی، شبر سے آ
दिखला दिया तो बोले के कुलसुम को बुलाओ, कुलसुम पास आई तो रोक कहा के जाओ, मीरा से फातिमा है जो सामान वो जल्द लाओ, वो लाई जब तो आंख के सामने झलक पड़े हर चंद दिल संभाला पर आंसू टपक पड़े। एक तेरक अस पे नबी और एक अलम मुसहफ था, एक आप किया था जिसे बहम बोले अली के लाओ कोई कागज़ो कलम, और थर थराते हाथों से नामा किया रखाम, खुरानो जामा बख्शा बड़े नूरे इनको तेगो परसता किया प्यारे हुसैन को, बाखी रहा फकत अलमे फखरे अंबिया, हजरत ने अपने रूबरू उसको तलब किया, परचम से उसके आंखें मली और रो रो दिया, चूमा फरेरा और गले से लगा लिया, फरमाया है जान मेरी निकली जाती है लखते जिगर के खून की बू इसमें आती है, बोला निशाने अहमद मुरसल बचश्मे तर मुझको भी कीजिए उसकी जियारत से बहरावर, बोले अली अपने कलेजे को थाम कर ऐ अहले ताजियत मेरा अब्बास है किधर, किस जागे बुलाओ मेरे नूरे लाओ कोई बहश्ती फौजे हुसैन को, रिखत की तरह आए जो अब्बास बावफा, रोकर कहा हुसैन से मेरे महल खा, देता है तुमको ये कमानत ये बेनवा, अब्बास बोले के बाबा तेरे फिदा, मेहमान कोई दम के हमें दूरे हैं अब्बास आज से तेरे बाबा पर ये कारजू है ये बाबा की मेरी जान, आखर तुम्हें क्रोध उठाओगे ये निशान, पर आह वो जमाना कहां और हम कहां, कंधे पे इस अलम को तो रख लो भाई जोशान, उठने लगा वो शेर तो न
نقشہ بدل گیا، دیکھا نگاہ آسے اور دم نکل گیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ الخسا شب بستوئکم جب ہوئی پیدا، سب اہلو یا لتنے علی نے کیے جا، پھر دستے حسن میں دیا ہاتھ اور کہا بیٹا، ان کو تمہیں سوپا تمہیں اللہ کو سوپا، گوہد سہ خواہش تقدیر سے ہونا، پر تم نہیں غافل میرے شبیر سے ہونا۔ شبیر کی غربت پہ جگر ہو گیا گار، ایک سمت سے اتنے میں سنا نوحا کئی بار، لیٹے تھے پگٹ بیٹھے یہ کرتے ہوئے گفتار، کس درد رسیدہ کی فریادوں یہ تو میرے عباس کے رونے کی صدا ہے، سب بولے وہی روتا ہے یہ کہہ کے بسد یار، بابا بھی مجھے بھولے تو اب کس کی رکھوں یاس، سو پانا حسن کو مجھے کمرت بدھا بات، اب آج سے بیٹھوں گا نہ میں بھائیوں کے پاس، ہم صورت و ہم شان شہ خلا شکن تھا، کیا میں نہ سزا وار غلامی حسن تھا، فرمایا علی نے کہ نہ روئے میرے دلدار، کیوں روتے ہو جیتا ہے ابھی حیدر کرار، بے وارث والی تمہیں چھوڑوں لو، دولت کون تمہیں دیتا ہے غفا، اللہ سلامت رکھے مولا کو تمہارے، پھر اٹھو نہ بلاتا ہوں میں آخا کو تمہارے، مظلوم کو لاؤ شہ دلگیر کو لاؤ، شمع لہد صاحب تطہیر کو لاؤ، شبیر کو لاؤ میرے شبیر کو لاؤ، لاؤ اسے آفت کا فلک جس پہ گرے گا سر، جس کا اسی کوپے میں نظر پہ پھرے گا، شبیر جو آئے تو کہاں
लिपटा मेरे अब्बास को तुम सीने से लिपटा। अब्बास से फरमाया कि तुम खदम पे झुक जा। काबूसिए सरदार के आदा बजाला, शबीर मेरा फख्र है, जहरा का शरफ है, तू मेरा खलफ है, ये पैगंबर का खलफ है। वो दोनों बिरादर जो गले मिल चुके बारे, शबीर से फरमाया अब्बास भी आएगा यूं ही काम तुम्हारे। अब्बास से फरमाया इमाम अपना समझना, शबीर से फरमाया गुलाम अपना समझना, शबीर से फरमाया गुलाम अपना فاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين، والصلاة والسلام على رسول الثقلين، محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، مولانا أبي القاسم محمد، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، صلوات بردمر محمد وآل محمد. عزیزان ایمان اور ناظرین کرام و عزاداران مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے، اکثر و بیشتر آپ اسے ذاکرین سے، مقررین سے، خطبہ سے اور علماء سے اس آیت کریمہ کے ذیل میں گفتگو سنتے رہتے ہیں. یہ تقاضا کیا جا رہا ہے اہل ایمان سے، اے ایمان لانے والو، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان لانے والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو. تمام مفسرین ہمارے یہاں کے یہی کہتے ہیں، یہاں اولی الامر سے مراد مولائے کائنات اور آپ کے بعد آنے والے ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں. لہذا پروردگار عالم نے سب سے پہلے اپنی اطاعت کی بات کہی ہے، رسول کی اطاعت کی بات کہی ہے، اور ائمہ معصومین یعنی مولائے کائنات اور آپ کے جو آنے کے آپ کے بعد
अइम्मा हैं, मासूमीन हैं, उनकी इताअत की बात की है परवरदिगार आलम ने। अज़ीज़ान ईमान, अगर हम देखें तो मोहब्बत दर हकीकत इताअत का नाम है, मोहब्बत दर हकीकत पैरवी का नाम है, मोहब्बत दर हकीकत सीरत पे चलने का नाम है। अगर कहीं इताअत नहीं है तो समझ लीजिए वहाँ मोहब्बत नहीं है, और जहाँ मोहब्बत नहीं है अज़ीज़ान ईमान तो फिर इंसान की ज़िंदगी बेकार है, अगर अल्लाह रसूल और अहले बैत की मोहब्बत ना हो। लिहाजा बग़ैर इताअत के इनकी मोहब्बत कबूल होने वाली नहीं है। ये परवरदिगार आलम ने इस कई मकामात पर जिक्र किया। एक मकाम पे जिक्र करता है कि قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله। ऐ रसूल, इनसे कह दीजिए अगर ये मोहब्बत का दावा करते हैं तो इनसे कह दीजिए कि मेरी इताअत करें, यानी आपकी इताअत करें, रसूल की इताअत करें, और जब ये तुम्हारी इताअत करेंगे तो इनकी इताअत और इनकी पैरवी का नतीजा ये होगा कि अल्लाह इनसे मोहब्बत करने लगेगा। अज़ीज़ान ईमान, अगर मोहब्बत की शर्त अल्लाह ने इताअत को करार दिया है, जहां इताअत नहीं है वहां मोहब्बत काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा सिर्फ जबानी मोहब्बत, दावे मोहब्बत काबिल कबूल अहले बैत के नज़दीक नहीं है। लिहाजा कोशिश करें, और ये शर्त मोहब्बत करार दी गई जैसा कि पहले मैंने अर्ज किया कि अगर मोहब्बत अहले बैत से करते हो तो फिर अहले बैत की इताअत भी करो, अगर अली से मोहब्बत का दावा है तो फिर अली की इताअत भी होनी चाहिए, अली की पैरवी भी होनी चाहिए। ऐसे न जाने कितने लोग आए कि जिन्हें अहले बैत ने खुद अपने आप से दूर भगा दिया। क्यों? क्योंकि वहां सिर्फ दावे मोहब्बत था, इताअत नहीं थी, और जहां इताअत थी उन्हें अहले बैत ने सीने से लगाया, और आज उनका तस्करा हमारे दरमियान में मौजूद है, चाहे वो जनाब अबू ज़र हो, चाहे जनाब सलमान हो, चाहे जनाब मक़दाद हो, चाहे जनाब अंबर हो, चाहे जनाब अम्मार यासिर हो, चाहे मीसम तम्मार हो या मालिक अश्तर हो, ये वो हस्तियां हैं, ये वो शख्सियात हैं कि जिन्होंने सिर्फ दावा मोहब्बत नहीं किया है, अपनी मोहब्बत को अहले बैत की इताअत से साबित किया है, अहले बैत की इताअत करके, इनकी पैरवी करके। अज़ीज़ान ईमान, लेकिन आज के दौर में जो मोहब्बत बसा औकात लोग जाहिर करते हैं, लेकिन जब उनके किरदार को देखा जाता है, उनके अखलाक को देखा जाता है, उनके रफ्तार और गुफ्तार को देखा जाता है, तो महसूस ही नहीं होता है कि यह अली का चाहने वाला होगा। अली का चाहने वाला अपने किरदार से पहचाना जाता है, अपनी रफ्तार से पहचाना जाता है, अपनी गुफ्तार से पहचाना जाता है। अज़ीज़ान ईमान, वो इताअत करता हुआ नजर आता है, वो पैरवी करता हुआ नजर आता है, और जहां इताअत और पैरवी होती है दर हकीकत वहीं मोहब्बत अहले बैत पनाह लेती है। लिहाजा अज़ीज़ान ईमान, हम खुदा की बारगाह में इस रमजान मुबारक और इस अजीम दिन और अजीम रोज खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको मुती अहले बैत करार दे, मुती खुदा व रसूल खुदा व आल रसूल खुदा करार दे। अज़ीज़ान ईमान, लिहाजा अगर मोहब्बत का दावा है तो इताअत करो, मोहब्बत का दावा है तो पैरवी करो। मौलाए कायनात की शहादत का दिन है अज़ीज़ान ईमान, आप देखिए कि मौलाए कायनात की जिंदगी को देखें, मौलाए कायनात की सीरत को देखें, मौलाए कायनात के किरदार को देखें, और उनकी सीरत को अपने वजूद में जगह दें, उनके किरदार को अपनाएं। और इसीलिए कहते हैं कि अपने आप को इतना संवारो, अपने आप को इतना अच्छा बनाओ, अपने आप को किरदार अहले बैत में यूं ढाल लो कि जब तुम रूए जमीन पर चलो तो लोग आवाज दें कि जब मोमिनीन ऐसे है तो अमीरुल मोमिनीन कैसा होगा, जब मुत्तकीन ऐसे हैं तो इमामुल मुत्तकीन कैसा होगा। एक सलवात पढ़ दे बस, मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्म सल्ले अला मोहम्मद। लिहाजा लोग कहें, तुम न कहो कि हम मोहब्बत करने वाले। इसीलिए मैं बारहा अक्सर बीस्तर और तकरार करते हुए मुझे शर्म भी महसूस नहीं होती है कि मैं ये कहा करता हूं अपने मजलिसों में कि कमाल मोहब्बत ये नहीं है कि हम दावा करें कि हम आपके चाहने वाले हैं,
कमाल मोहब्बत ये है कि पर्दे गैब से आवाज आ जाए, तू हमारा चाहने वाला, तू हमारा मुहिब है। हम अपने आप को अली वाला कहें ये कमाल नहीं है, अली हमें अपना कहें ये कमाल मोहब्बत है। अजीजान ईमान, ये कब होगा? जब हम अपने आप को किरदार अली में ढालेंगे, जब हम अपने आप को सीरत अली में ढालेंगे, जब हम अली की राह और अली के रास्ते पर चलेंगे। आज का दिन मौलाए कायनात का दिन है, आज का दिन मौलाए कायनात से मंसूब है। अजीजान ईमान, मैं तमाम नाजरीन की खिदमत में, तमाम अजादारों की खिदमत में सिर्फ एक बात ये अर्ज करना चाहता हूं, अगर वाकयान अली के चाहने वाले हैं तो अली के कलाम को उठा के देखिए, नहजुल बलागा को पढ़ के देखिए, उसकी गहराई और गिराई को देखिए, उसकी फसाहत और बलागत को देखिए कि कैसे मौलाए कायनात ने इस उम्मत को मुतवज्जह किया है, कैसे मौलाए कायनात ने उम्मत मुस्लिमा को आखिरत और आकिबत की जानिब मुतवज्जह किया है, कैसे हिदायत दिया, और कितनी खूबसूरत किताब है दोस्ताने मोहतरम। वो शिया कैसा है, वो अली का चाहने वाला कैसा है कि पूरी जिंदगी अली की मोहब्बत में गुजार दे लेकिन नहजुल बलागा उसने न पढ़ी हो। कैसा अली का चाहने वाला है कि पूरी जिंदगी इनकी मोहब्बत में बसर कर दे लेकिन सहीफ़े कामिला की तिलावत न की हो। कैसा अली वाला है कि उसने पूरी जिंदगी इनकी मोहब्बत में बसर कर दी हो लेकिन एक मरतबा कुरान मजीद को मुकम्मल तर्जुमे के साथ न पढ़ा हो। लिहाजा जान ईमान, अगर अली को जानना है, अगर मौला को पहचानना है तो अजीजान ईमान, नहजुल बलागा अली का कसीदा है, अली का फजाइल है मौला नहजुल बलागा। देखें किस तरीके से मौला ने हिदायत किया है। अच्छा, अगर नहजुल बलागा इन शबों में न पढ़ सके तो मैं यही गुजारिश करूंगा, कम अज कम जो वसीयत किया है मौलाए कायनात ने अपने फर्जंद इमाम हसन और इमाम हुसैन से, उस वसीयत को उठा के देख लीजिए। अगर अली के मानने वाले, अगर अली के चाहने वाले, मौलाए कायनात ने कितनी खूबसूरत वसीयत किया है, एक एक चीज को हमारे हमें मुतवज्जे किया, एक एक चीज की जानिब जरिया बनाया है इमाम हसन हुसैन को, लेकिन इस वसीयत का करने का मकसद यह है कि तमाम आने वाली औलाद और तमाम चाहने वाले इस वसीयत पर अमल करें। आप बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइए और इंसाफ से बताइए कि हम कितने लोग ऐसे हैं कि जो मौला की वसीयत पर अमल करें। मौला फरमाते हैं, ए मेरे लाल, मैं तुम्हें तकवा इलाही की दावत देता हूं, उसी कुमा बे तकवल्लाह, तकवा इलाही अख्तियार करो तुम दोनों। और उसके बाद मौला ने नमाज की जानिब मुतवज्जे किया, रोजे की जानिब मुतवज्जे किया, हज की जानिब मुतवज्जे किया, और सिले रहमी की जानिब मुतवज्जे किया, यतीम परवरी की जानिब मुतवज्जे किया। आज हम देखिए, नमाज से गाफिल हम हैं, रोजे से गाफिल हम हैं, हज से गाफिल हम हैं, खुम्स और ज़कात से गाफिल हम हैं, हज को अहमियत हम नहीं देते, और सिले रहमी यतीम परवरी का तो जज्बा ही खत्म हो गया हमारे अंदर, तो कैसे हम अली के जाने वाले हैं। लिहाजा अली को अगर समझना है तो नहजुल बलागा पढ़ना होगा, अली की मारिफत अगर हासिल करनी है तो नहजुल बलागा का मुतालिया करना होगा। कितनी गहरी बातें मौलाए कायनात ने बयान की है, आप उठा के देखिए, पूरी मजलिसें हो जाती हैं अजीजान ईमान, पूरी मजालिस में एक मौला के कौल को नहीं पेश किया जाता है। यही वजह है आज अगर उम्मत और कौम के बच्चों से पूछ लिया जाए कि एक इमाम की 5 हदीसें सुना दीजिए तो शायद बच्चा नहीं सुना पाएगा, इसलिए कि हम सुनाते ही नहीं है मजालिस में। लेकिन नहजुल बलागा अगर पढ़ें, नहजुल बलागा पे गौर करें और दर्स रखा जाए, आज उलमा की कमी नहीं है दोस्तों, उलमा बहुत हैं, उलमा काम करने के लिए तैयार हैं। अगर लोग दिलचस्पी लें, लोग हाजिर हों और ऐसे दुरूस का इंतजाम और एहतमाम किया जाए तो उलमा अपनी खिदमात देने के लिए तैयार हैं। लिहाजा जाने ईमान, अली के फजाइल को अगर देखना है तो नहजुल बलागा उठा के देखें। अगर अली के फजाइल को, अली के फजाइल छुपे हुए अली के अकवाल में, अली के फरामीन में, मौला के खुद फरमूदात में मौला के फजाइल छुपे हुए हैं, जरूरत इस बात की है कि उसे बयान किया जाए। कितनी खूबसूरत खूबसूरत हदीस है, ये रमजान मुबारक है अजीजान ईमान। तौफीक के लिए दुआ करें कि अल्लाह हमें तौफीक दे, ये महीना बेहतरीन महीना है,
बख्शिश का महीना है, नजात का महीना है। अजीजा ने ईमान, यूं तो हर महीना खुदा का महीना है, लेकिन इस महीने को एक खास अजमत हासिल है, इस महीने का एक खास मकाम है। जबकि मौलाए कायनात के लिए मिलता है कि कुछ लोग इब्ने अब्बास के पास गए अपने चंद सवालात लेकर। इब्ने अब्बास ने उनके सवालात के जवाब दिए, वो वापस आ रहे थे, रास्ते में मौलाए कायनात से मुलाकात हो गई। मौला ने पूछा कहाँ गए थे, तो उन्होंने कहा कि इब्ने अब्बास के पास गए थे। कहा क्यों गए थे, कहा कि हमारे चंद सवालात थे। कहा कौन सा सवाल, कहा हमारा पहला सवाल ये कि बेहतरीन अमल कौन सा अमल है। कहा दूसरा सवाल, कहा हमारा दूसरा सवाल ये था कि बेहतरीन दिन कौन सा दिन है। कहा तीसरा सवाल, कहा बेहतरीन महीना कौन सा महीना है। कहा इब्ने अब्बास ने क्या जवाब दिया, कहा इब्ने अब्बास ने कहा बेहतरीन अमल वो अमल नमाज पंजगाना है, और बेहतरीन दिन रोजे जुमा है, और बेहतरीन महीना रमजान मुबारक है। अल्लाह अकबर, जैसे मौला ने जवाब सुना मौला मुस्कुराए, कहा यकीनन इब्ने अब्बास ने बेहतरीन जवाब दिया है, लेकिन अगर यही सवाल तुम अली से करते तो अली का जवाब अलग होता, अली का जवाब और खूबसूरत होता, अली का जवाब और बेहतरीन होता। अब जैसे उन्होंने ये सुना तो एक मरतबा कहा कि अली आपका जवाब क्या होता, तो एक मरतबा मौला मुस्कुराए कहा कि सुनो, बेहतरीन अमल यकीनन नमाज पंजगाना है, लेकिन अगर अली से सवाल करो कि बेहतरीन अमल कौन सा अमल है, तो मेरी नजर में बेहतरीन अमल वो अमल है जिसे खुदा अपनी बारगाह में कबूल कर ले, जिसे अल्लाह कबूल कर ले, वो बेहतरीन अमल है। अजीजा ने ईमान, ऐसी बहुत सी नमाजें, ऐसे बहुत से रोजेदार, ऐसे बहुत से हाजी जिनसे ना नमाज कबूल होगी, ना रोजा कबूल होगा, ना हज कबूल होगा, लेकिन अगर कोई अमल खुदा की जात के लिए कर दिया जाए तो अजीजा ने ईमान वो खुदा की बारगाह में कबूल है, अल्लाह उसे कबूल कर लेगा। अल्लाह ये नहीं देखता है कि अमल कितना किया जा रहा है, अल्लाह ये देखता है कि यह अमल किसके लिए किया जा रहा है। तो मौला का देखिए, आप गौर कीजिए कि मौला का कितना खूबसूरत, ये मौला की कितनी खूबसूरत हदीस है गोया कि बेहतरीन अमल नमाज पंजगाना यकीन, उससे बेहतरीन अमल वो अमल है जिसे खुदा कबूल कर ले। अगर खुदा कबूल कर ले तो हर अमल बेहतरीन अमल बन जाता है। कहा बेहतरीन दिन, कहा रोजे जुमा यकीनन बेहतरीन दिन है, लेकिन अगर अली से सवाल करते तो मेरी नजर में बेहतरीन दिन वो दिन है जिस दिन इंसान कोई गुनाह न करे, जिस दिन इंसान कोई मासियत न करे, जिस दिन इंसान कोई अल्लाह की नाफरमानी न करे, वो इंसान के लिए बेहतरीन दिन है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐ अली, वो तीसरा जवाब, बेहतरीन महीना कौन सा महीना है, तो मौला ने यही जवाब दिया, यकीनन रमजानुल मुबारक बेहतरीन महीना है, लेकिन अगर अली से सवाल करते हो तो बेहतरीन महीना वो महीना है कि जिस महीने में इंसान अपने आप को बख्शवा ले, जिस महीने में इंसान अपने आप को नजात दिला दे, जिस महीने में इंसान को नजात मिल जाए, वो महीना बेहतरीन महीना। लिहाजा ऐसा ईमान, आप देखें, ये है हमारे मौला, ये है हमारे आका, आज उसी इमाम की शहादत का दिन है। अजीजा ने ईमान, हम मुतवज्जे हों कि मौला की कितनी यानी कीमती चीज नहजुल बलागा हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम उससे दूर हैं। अगर हम वाकयन मौला के चाहने, मौला के कलाम को देखें, मौला ने कितना इबादत, इताआत और जिक्र इलाही की जानिब मुतवज्जे किया, आकबत और आखिरत की जानिब मुतवज्जे किया, दुनिया से लौ लगाने के लिए कितना मना किया है। दुनिया का मतलब ये नहीं है अजीजा ने ईमान कि हम सब कुछ छोड़ दें। बस इमाम और आइम्मा ने इस बात पे जोर दिया है कि देखो, दुनिया कहीं इतना ना हासिल कर लो कि दीन तुम्हारे हाथों से चला जाए। अजीजा ने ईमान, अगर तुम दुनिया हासिल कर रहे हो दीन के लिए, तो ये फिर दुनिया नहीं हुई बल्कि यही तो दीन है। ऐसा नहीं है कि जब दुनिया तर्क दुनिया की बात हो तो लोग ये समझे कि सब कुछ छोड़ दे, नहीं अजीजा ने ईमान, सब कुछ छोड़ना नहीं है, बल्कि ये देखे कि कहीं दुनिया को हासिल करते करते हमारे हाथ से दीन तो नहीं जा रहा। अजीजा ने ईमान, लिहाजा मुतवज्जे रहे। यही वजह है ना कि हमारे किसी इमाम के पास आपका एक चाहने वाला आया और उसने कहा कि मौला मेरे हक में दुआ कीजिए। मौला ने कहा कैसी दुआ, उसने कहा कि मौला दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे दुनिया अता करे,
मुझे खूब दौलत दे, खूब सरवत दे। मौला ने फरमाया कि खूब दौलत और सरवत अगर मिल गई तू करेगा क्या? तो उसने कहा मौला अगर मुझे दौलत और सरवत से खुदा ने नवाजा तो मैं मदरसा खोलूंगा, यतीम परवरी करूंगा, सिला रहमी करूंगा, मसाकीन की खिदमत करूंगा, गौरबा फकरा को मदद उनकी मदद करूंगा, उनका ख्याल रखूंगा, जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करूंगा, दीन पे खर्च करूंगा, मजहब पे खर्च करूंगा, इस्लाम पे खर्च करूंगा। इमाम के लबों पे तबस्सुम आ गया, इमाम मुस्कुराए और मुस्कुरा के इमाम ने कहा फिर ये दुनिया कहां हुई, यही तो दीन है अजीजा ने ईमान। लिहाजा दीन इतना, दुनिया इतनी हासिल करो कि कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे दीन चला। बहुत से ऐसे लोग हैं अजीजा ने ईमान कि जो दुनिया को हासिल करने में इतने मशगूल हो गए, इतने मसरूफ हो गए कि आज उनके पास दीन नहीं है। जाहिरा नाम के सिर्फ वो मुसलमान है, नाम के सिर्फ शिया है, नाम के सिर्फ मोमिन है, लेकिन उनका अमल किरदार गवाही नहीं देता कि वो अली के चाहने वाले। लिहाजा इजाज़ इमाम कोशिश करें कि यही वजह है कि मौला कायनात की खूबसूरत हदीस आप हजरात की खिदमत में पेश कर दूं, चूंकि मौला की शहादत का दिन है और अगर आज न पेश किया तो कब पेश करेंगे। मौला फरमाते हैं कि मैंने बेहतरीन साथी बहुत देखे। कितनी खूबसूरत हदीस है, देख लीजिए आप, गौर कीजिए, सुनिए, मुतवज्जे रहिए और इसको जहनों में महफूज कीजिए, दिलों में महफूज कीजिए और कोशिश कीजिए, दुआ कीजिए मजलिस सुनते सुनते कि अल्लाह हम सबको इन नसीहतों पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। मौला फरमाते हैं कि हमने बहुत से दोस्त देखे हैं, बहुत से साथी देखे हैं, लेकिन जबान की हिफाजत से बेहतरीन साथी कुछ नहीं। ये जबान जो है अगर इंसान इसकी हिफाजत कर ले तो इससे बेहतरीन साथी कुछ नहीं है अजीजान ईमान। यानी आज सबसे ज्यादा अगर गुनाह होता है तो वो इंसान की जबान से होता है। न जाने कितनों की गइबत करती है, न जाने कितने पर तोहमत बांधती है, न जाने कितना झूठ बोलती, इस जबान ही के जरिए से तो होती है। तो बेहतरीन साथी यानी वो है कि इंसान अपनी जबान की हिफाजत कर ले। अजीजान ईमान ये बेहतरीन साथी अगर इंसान जबान की हिफाजत करे। इसीलिए हुक्म है कि उसने अपने दीन को बचा लिया, दीन की हिफाजत कर ली जिसने अपनी जबान की हिफाजत कर ली। लिहाजा जबान के लिए कहा बेहतरीन साथी बहुत साथी देखे लेकिन जबान से की हिफाजत से बेहतरीन साथी नहीं देखे। उसके बाद इमाम फरमाते हैं मैंने बहुत लिबास देखे लेकिन तक्वाए इलाही से बेहतरीन लिबास नहीं देखा। तक्वाए इलाही सबसे बेहतरीन लिबास है। यही वजह है अज़ीज़ो जब इमामों की वसीयतों को आप देखेंगे ना, और मैं कहता हूं अक्सर मजालिस में कि हो सके मौका मिले तो आइम्मा की वसीयत को जरूर पढ़ें कि कितना पैगाम है। जितने इमाम इस दुनिया से गए अगर उन्होंने वसीयत की है तो पहला लफ्ज यही रखा है कि तक्वाए इलाही अख्तियार, अल्लाह का तक्वा है इख्तियार करो। तक्वा इलाही बेहतरीन साथी है। बहुत से लिबास देखे इमाम फरमाते हैं लेकिन तक्वा इलाही से बेहतरीन साथी नहीं देखा। उसके बाद इमाम फरमाते हैं कि बहुत सी दौलत देखी, बहुत सरवत देखी लेकिन कनाअत से बेहतरीन दौलत कुछ नहीं है, कनाअत से बेहतरीन सरवत कुछ नहीं है। कनात किसे कहते हैं? यानी जितना खुदा ने दिया है इंसान उतने पर शुक्र अदा करे। लेकिन आज देखें जिजाने ईमान, आज जो इंसान के अंदर जिंदगी में बेचैनी, बेकरारी, बेइत्मीनानी, बेसुकूनी सब कुछ है लेकिन सुकून और इत्मीनान नहीं है। इसकी वजह क्या है? इसकी एक वजह है कि हमारे यहां हमारे वजूद में से कनात खत्म हो गया है और लालच और तमा ने हमारे वजूद में जगह बना ली। अजीजान ईमान का बेहतरीन दौलत देखी हमने, बहुत दौलत देखी लेकिन कनाअत से बेहतरीन दौलत कुछ भी नहीं है। अजीजान ईमान कनाअत सबसे बेहतरीन दौलत, यानी जितना खुदा ने दिया है, जितने से खुदा ने नवाजा है इंसान शुक्र इलाही अदा करे। जनाबे सलमान फारसी ने जनाबे अबू जर की दावत की,
जनाब अबू ज़र दावत पर गए, जनाब सलमान ने रोटियां लाकर रख दी, कहा भाई सलमान बिस्मिल्लाह। जनाब सलमान अबू ज़र ने सूखी हुई रोटियों को देखा, कहा है भाई सलमान अगर इन रोटियों के साथ थोड़ा सा नमक मिल जाए। बस जैसे ही नमक का इजहार किया, जनाब सलमान गए और अपने लोटे को गिरवी रखा बाजार में और नमक लेकर आए, जनाब अबू ज़र के सामने रखा। जनाब अबू ज़र ने खाना खाया, जब खाना खा चुके तो शुक्र अदा किया, कहा खुदाया तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे काने बनाया है, कनाअत करने वाला बनाया है। जैसे ही ये जुमला सुना, जनाब सलमान मुस्कुरा दिए और मुस्कुरा के इतना खूबसूरत जवाब दिया, कहा अबू ज़र अगर तुमने कनाअत से काम लिया होता तो मेरा मिट्टी का लोटा गिरवी न रखा जाता। अजीजाने में इसका क्या मतलब, यानी जितना इंसान को मिला है उस पर शुक्र अदा करें। इमाम फरमाते हैं कि बेहतरीन बहुत सी दौलत देखी है, बेहतरीन दौलत देखी हमने, लेकिन कनाअत से बेहतरीन दौलत मैंने इस दुनिया में नहीं देखी है। उसके बाद इमाम फरमाते हैं कि मैंने बहुत से एहसान देखे हैं, बहुत से एहसान देखे हैं इस दुनिया में, लेकिन रहम और मेहरबानी से बेहतरीन एहसान इस दुनिया में कुछ भी नहीं। सबसे बेहतरीन अगर एहसान कुछ है इस रूए जमीन पर इस दुनिया में, तो वो एहसान है रहम, मेहरबानी, बख्श देना, माफ कर देना, ये सबसे बेहतरीन एहसान है। अजीजाने ईमान कितना खूबसूरत कलाम है, अगर हम गौर करें, फिक्र करें। यही वजह है ना अज़ीज़ाने ईमान के मौलाए कायनात के दौर में ये वाकया भी पेश आया था कि चंद लोग एक शख्स को लेकर मौला की खिदमत में हाजिर हुए और आने के बाद कहा कि मौला इसने हमारे बाप का कत्ल किया है। मौला ने कहा कि तूने कत्ल किया है? उसने इकरार किया, कहा हाँ इसका बाप मेरे हाथों से कत्ल हुआ। कहा कैसे? कहा कि मेरा जानवर इसके बाप के बाग में चला गया, इसके बाप ने देखा और एक पत्थर उठाया, मेरे जानवर पे को मारा और वहीं पे मेरा जानवर हलाक हो गया। मैं गुस्से में आया, उसी पत्थर को उठाया, इसके बाप के सर पे मारा, इसका बाप भी इस दुनिया से चला गया। अब जैसे ही उसने इकरार किया तो मौला ने कहा कि तुमने जुर्म किया है, गुनाह किया है, तुम्हें सजा मिलेगी। एक मरतबा उसने कहा कि मौला मैं सजा कबूल करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी कुछ अमानतें घर पे मौजूद हैं, मैं चाहता हूं कि आप मुझे थोड़ा सा मौका दें, मैं घर जाऊं, वापस आऊं, ताकि उन अमानतों को उन लोगों अपने वारिसों के हवाले कर दूं। अज़ीज़ाने ईमान उनके जिनकी अमानत है उनके हवाले कर दूं। एक मरतबा मौला कायनात ने फरमाया कि कोई इस मजमे में है जो तुम्हारे आने की जमानत ले ले? अज़ीज़ाने ईमान तमाम मजमा खामोश था, एक उठे जनाबे अबू ज़र। देखा अज़ीज़ान ईमान, मौलाना ने फरमाया कि मैंने बेहतरीन बहुत से एहसान देखे हैं, लेकिन रहम और मेहरबानी से ज्यादा बेहतरीन एहसान मैंने इस दुनिया में नहीं देखा, मैंने नहीं देखा है। अज़ीज़ान ईमान जब उसने मौलाना ने फरमाया कि कोई है जो इनकी जमानत ले, सब खामोश। जनाबे अबू ज़र उठे, कहा मौला मैं जमानत लेता हूं। जनाबे अबू ज़र उसे जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, अगर वो पलट के नहीं आया तो वो जो सजा उसे मिली थी वो जनाबे अबू ज़र को मिलेगी, लेकिन जनाबे अबू ज़र ने जमानत ले लिया। अज़ीज़ाने ईमान वो चला गया, शाम को आने वाला है, दिन गुजरता चला गया, अब एक शोर मचा के अगर वो ना आया तो जनाबे अबू ज़र को सजा मिलेगी। अज़ीज़ाने ईमान जैसे ही वक्त आया तो लोगों ने देखा कि वो शख्स दौड़ता हुआ, हांफता और कांपता हुआ आया और मौलाए कायनात के पास आके कहा कि अब मुझे सजा दीजिए। अज़ीज़ाने ईमान जैसे ही एक मरतबा ये उसे इमाम ने देखा तो उससे एक सवाल किया, और देखे कितना बेहतरीन पैगाम है इस वाकई में, अगर मोमिनीन गौर कर लें, गौर फरमाएं कितना बेहतरीन पैगाम है। मौलाए कायनात ने उससे पूछा कि तू भाग सकता था, तू फरार अख्तियार कर सकता था, तू वापस क्यों आ गया? तो उसने पलट के जवाब दिया, कहा मौला मैं भाग तो सकता था, लेकिन मुझे डर इस बात का हुआ
कि कहीं लोगों के दरमियान से वफा ना उठ जाए, जो वादा वफा करते हैं वफा ना उठ जाए लोगों के दरमियान से। अल्लाह अकबर, जैसे मौला ने ये सुना इमाम मुस्कुराए। उसके बाद एक सवाल जनाब अबू ज़र से किया, कहा अबू ज़र इतने मजमे में कोई भी इसकी जमानत लेने के लिए तैयार नहीं था, तुमने इसकी जमानत किस वजह से ली जबकि तुम जानते और पहचानते भी नहीं थे। जनाब अबू ज़र मुस्कुराए, कहा है ऐ मौला मैंने इसलिए इसकी जमानत ली कहीं लोगों के दरमियान से नेकियां ना उठ जाएं, अच्छाइयां ना उठ जाएं। बस जैसे ही अबू ज़र की बात सुनी तो मख्तूल की औलाद ने उन्हें पलट के कहा कि मौला अब हमें इससे बदला नहीं लेना है, मैंने इसे माफ कर दिया। मौला मुस्कुराए, कहा तुमने क्यों माफ कर दिया? तो एक मरतबा उन्होंने कहा कि मौला खौफ इस बात का है कि कहीं लोगों के दरमियान से बख्शिश ना उठ जाए, मेहरबानी ना उड़ जाए। अजीजान ईमान, तो लिहाजा आपने गौर फरमाया, मौला ने फरमाया मैंने बेहतरीन, हमने बहुत से एहसानात को देखा है लेकिन सबसे खूबसूरत एहसान जो है वो है माफ कर देना, मेहरबानी, रहम। इससे बेहतरीन कोई भी एहसान नहीं हो सकता है। उसके बाद मौला फरमाते हैं कि मैंने बहुत सी गजा देखी है। कितना खूबसूरत जुमला है, गौर कीजिएगा दोस्तों, मतलब अजीजा ने ईमान, मौला फरमाते मैंने बहुत सी गजा देखी है लेकिन सब्र से ज्यादा लज्जत किसी गजा में हो नहीं देखा है। अगर किसी गजा में सबसे ज्यादा लज्जत अल्लाह ने रखी है तो वो सब्र में रखी है। अजीजा ने ईमान, लिहाजा इस जो कौल को मैंने, जिस हदीस को मैंने पेश किया है, कोशिश करें कि अपने आप को इस हदीस में ढालें। मैं अपने लिए दुआ करता हूँ, आप मोमिन हैं, मोमिनीन हैं, आप यकीनन तमाम सीरत में ढले होंगे। मैं अपने लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं इस पर अमल कर सकूँ। अज़ीज़ाने ईमान, लिहाजा हम कोशिश करेंगे कि मौला की सीरत को अपनाएं। कितनी खूबसूरत खूबसूरत है अली की सीरत। अज़ीज़ाने ईमान, खुदा का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें अली जैसा रहबर और रहनुमा अता किया। किसी का रहबर, किसी का रहनुमा अली जैसा नहीं। अल्लाह ऐसे यतीम परवर, ऐसे सिला रहम, अज़ीज़ाने इतना सिला रहमी करने वाले। तो लिहाजा मैं यही इस मजलिस के जरिए से मोमिनीन तक पैगाम देना चाहता हूँ, अजीजों अगर एक सीरत को अली की अपना ले तो हमारी जिंदगी कामयाब हो जाए, हमारी जिंदगी कामरान हो जाए। एक सीरत को अपना लेंगे, मौला की वसीयत को देखें कि मौला क्या क्या चाहते हैं अपने चाहने वालों से। अगर मौला नमाज की वसीयत कर रहे हैं तो हर मोमिन नमाजी होना चाहिए। अगर मौला रोजे की वसीयत कर रहे हैं, हर अली वाले को रोजादार होना चाहिए। अगर अली हज की वसीयत कर रहे हैं तो हर अली के चाहने वाले को हाजी होना चाहिए। अगर अली यतीम परवरी का हुक्म दे रहे हैं तो हर मोमिन को यतीम परवर बनना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है आज हमारे घरों में जानवर हैं, कुत्ते बिल्लियां न जाने कौन कौन से जानवर पालते हैं और उन पर बहुत सी बयानी रकम खर्च करते हैं, अच्छी खासी रकम जो है खर्च करते हैं, उनके खाने का इंतजाम, रहने का इंतजाम, लेकिन यतीम को पनाह देने के लिए हम तैयार नहीं है, यतीम परवरी करने के लिए हम तैयार नहीं है। अगर एक ये सीरत हमारे अंदर बस जाए ना तो हमारी जिंदगी कामयाब, हमारी हयात कामयाब है, हमारी जिंदगी कामरान है। दोस्तों यतीम परवरी बहुत बड़ा सवाब है। मौला ने फरमाया इमाम हसन इमाम हुसैन से कि ऐ मेरा लाल, ऐ मेरे लाल, ऐ मेरे बच्चों, देखो यतीमों से कहीं गाफिल ना हो जाना। बहुत ज्यादा ताकीद की गई है दोस्तों। हदीस कहती है कि अल्लाह उस घर की जानिब रहमत भरी निगाहों से देखता है जिस घर में कोई यतीम पल रहा, जिस घर में किसी यतीम की तरबियत और परवरिश होती है। और ये भी हदीस है कि जब कोई इंसान किसी यतीम के सर पर हाथ फेरता है तो उसके हाथ के नीचे जितने बाल आते हैं परवरदिगार आलम उस मोमिन के नामे आमाल में उतनी नेकियों को लिखता है और उतनी ही बुराइयों को उसके नामे आमाल से मिटा देता है। ये यतीम परवरी का सवाब है। लिहाजा अल्लाह हम सबको यतीम परवर करार दे, यतीम परवरी की तौफीक इनायत फरमाए। अजीज़ान ईमान, हम हमेशा इधर उधर खाना खाने जाते हैं, कभी यतीमों के साथ खाना खा लें,
कभी यतीम खाने जाएं, वहां कुछ लेकर जाएं, उनके साथ बैठें, खाना खाएं, ताकि एहसास लेना। एक सीरत अगर अली की हमारी जिंदगी में शामिल हो जाए ना, हमारी नजात के लिए, मैं बार बार ये जुमला कह रहा हूं, हमारी नजात के लिए दोस्ताने मोहतरम काफी होगा। नजफ अशरफ में एक आलिम दीन के ख्वाब में मौलाए कायनात आए और मौला ने आकर हुक्म दिया कि ए आलिम, नजफ़ अशरफ से बाहर जाओ, बियाबान में हमारा एक चाहने वाला इस दुनिया से गुजर गया है, और जाओ उसकी उसे कफन दो और उसे दफन करो। आलिम दीन उठे, सुबह को बेदार हुए, अपने साथियों को लेकर जब उस मकाम पर पहुंचे तो क्या देखा, कुछ बच्चे हैं और एक खातून है और एक जनाजा पड़ा हुआ है। गए और जाने के बाद गुस्ल दिया, कफन दिया, दफन किया। जब तदफीन हो गई आलिम दीन उस खातून के करीब और जाने के बाद पूछा कि ये बताओ कि इस मरने वाले के अंदर कौन सी अच्छाइयां थी। उन्होंने अपने ख्वाब का जिक्र पहले नहीं किया, पहले ये पूछा कि बताओ इस मरने वाले के अंदर अच्छाइयां कौन सी थी। तो एक मरतबा उस खातून ने पलट के कहा कि इसके अंदर कोई अच्छाई नहीं थी, बल्कि ये इतना बद अखलाक और बद किरदार और बद जबान था कि लोग शहर में, जिस मोहल्ले में रहता था मोहल्ला परेशान, जिस शहर में रहता था शहर परेशान, हमें मोहल्ले से निकाल दिया गया, हम बियाबान में अपनी जिंदगी बसर करने लगे और आज इसे यहां मौत आ गई। अब जैसे आलिमे दीन ने यह सुना कि इसके अंदर कोई अच्छाई नहीं, तो एक मरतबा उन्हें यकीन नहीं हुआ, कहा नहीं, हो ही नहीं सकता है कि इसके अंदर कोई अच्छाई ना हो, अगर अच्छाई ना होती तो कायनात का अमीर मेरे ख्वाब में आकर ये न कहता कि मेरा चाहने वाला इस दुनिया से गुजर गया है, जाओ उसके कफन और दफन का इहतमाम करो। अजीजा ने ईमान, फिर एक मरतबा आलिम दीन ने इसरार किया, कहा नहीं, कोई तो अच्छाई होगी इसके अंदर। जब इसरार किया तो उस खातून ने कहा कि हाँ, एक अच्छाई इस मरने वाले के अंदर थी। कहा वो कौन सी अच्छाई थी? कहा ये इसने कभी तन्हा खाना नहीं खाया है, जब भी खाना खाया है यतीमों के साथ खाना खाया है, यतीम बच्चों के साथ बड़ी मेहरबानी के साथ पेश आता था, उनके साथ खेलता था, उनके साथ बैठता था, उनके साथ उठता था। तमाम बुराइयां थी लेकिन एक ही अच्छाई थी। आलिमे दीन मुस्कुराए और अपने तमाम जो वहां चाहने वाले थे, जो साथ में गए थे, उनसे मुतवज्जे होकर एक जुमला कहा, कहा खुदा की कसम, इसी एक नेकी ने इसे अली का मुहिब बना दिया है, अली के चाहने वाला। इसीलिए मौला ने ख्वाब में आकर कहा हमारा चाहने वाला गुजर गया। तो लिहाजा जाने ईमान, अगर हम एक सीरत पे अमल कर लेना तो हमारी जिंदगी कामयाब। अगर अली हमें अपना कह दे तो फिर हमारी हयात कामयाब है। कैसे यतीम परवर मौला, आप देखें। बस मैंने मजलिस को तमाम किया दे जाने इस दुआ के साथ कि इंशाअल्लाह कि खुदा हम सबको इस में जो मैंने बयान किया है, अल्लाह हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अनायत फरमाए। सबसे पहले मुझे, और आप तो वाकई मोमिन हैं, मैं आपके लिए कुछ नहीं कहूंगा, बस यही कहूंगा कि आप भी अमल करें। इस्लाम दीन अमल है लेकिन आज इसे दीन अमलियात बना दिया गया है, लिहाजा देखें कि यतीम परवरी का कितना। यही वजह है ना कि जब सर पे मौलाए कायनात की जरबत लगी, हाँ ज़दारान मज़लूम करबला, चंद आंसू अगर हमारे आंखों से निकल जाए तो समझ लीजिएगा कि ये मजलिस कामयाब है। जब मौला के सर पे जरबत लगी और तबीब ने आकर देखा और देखने के बाद एक जुमला कहा, अगर अली को दूध मिल जाए। जैसे ही तबीब ने दूध बताया तो रिवायात कहती है कूफे के छोटे छोटे यतीम बच्चे छोटे छोटे कूजों में दूध लेकर, बर्तन में दूध लेकर अली के मकान की जानिब चले। पूछने वालों ने जब पूछा कि ये बच्चों कहाँ जा रहे हो, तो एक मरतबा बच्चों ने कहा हमारे आका और मौला को तबीब ने दूध बताया। अल्लाह अकबर, अदादारा ने मजलूम करबला, जरा गौर कीजिए, जरा फिक्र कीजिए कि मौला की जिंदगी उनके दरमियान में कैसी गुजरी कि यतीम बच्चे दूध लेकर अली के लिए आ रहे। हाँ अदादारा ने मजलूम करबला, वही शफीक इमाम, वही मेहरबान इमाम की आज शहादत की तारीख। कितना जुल्म हुआ अदादारा ने मजलूम करबला मौला पर, सजदे की हालत में जरबत लगी। मालूम है जब सर पे जरबत लगी, ऐसी जरब नहीं थी, तलवार में बुझी, जहर में बुझी हुई तलवार थी। और जब अली के सर पे जरबत लगी है तो मौला मेहराब में तड़पने लगे।
ऐसे तड़प रहे थे, ऐसे तड़प रहे थे अदादारा ने मजलूम करबला कि जैसे कहा जाता है कि मौला तड़प रहे थे मेहराब इबादत में और खाक उठाकर अपने सर पे डाल रहे थे। मैं कहूंगा है मौला आपके सर पे जरबत लगी, अरे आपके हाथ सलामत थे कि आप खाक उठाकर अपने सर पे डाल रहे थे, लेकिन है मौला जरा करबला आकर देखिए आपका बेटा अब्बास अरे जीन से जमीन पे आ रहा है, चेहरों के बहल चेहरे के बहला रहा है, हाथ कलम हो चुके हैं। हाँ दादारा ने मजलूम करबला चंद कतरे आंसू अगर हमारी आंखों से गिर जाए, खुदा आपको इस मजलिस का स्वभाव अता करे, बानिया ने मजलिस को इसकी जजा दे। हाँ दादारा ने मजलूम करबला सर पे जरबत लगी है, उसके बाद मौलाए कायनात ने इमाम हसन को हुक्म दिया, नमाज को मुकम्मल कराया, नमाज मुकम्मल हो गई तो एक मरतबा मौलाए कायनात घर की जानिब चले हैं, एक तरफ से इमाम हसन ने सहारा दिया, एक तरफ से सैयदुश्शोहदा ने सहारा दिया, सहाबी साथ में है, चाहने वाले साथ में है, रो रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं। अरे जैसे ही करीब आया घर, एक मर्तबा मौला ने इमाम हसन से कहा मेरे लाल मेरे सहाबियों से मेरे चाहने वालों से कह दो अपने अपने घर चले जाए। अरे जैसे ये जुमला कहा मेरा दिल कहता आज मैं मौला से सवाल करूं, मौला क्या वजह है, मौला क्या सबब है, ये आपके चाहने वाले हैं, ये आपके सहाबी है, मौला इन्हें क्यों अपने घर भेज रहे हैं। अजब नाली पलट के आवाज दे अरे जैसे ही मैं घर के पास पहुंचूंगा घर में दाखिल होऊंगा, अरे जैसे ही मेरी बेटियां मेरी ये हालत देखेंगी चीख मार के रोएंगी, अरे मैं नहीं चाहता ज़ैनब और कुलसूम के रोने की आवाज इन्ना महरमों के कानों में जाए। अरे मैं कहूंगा ए मौला अरे आज आपको गवारा नहीं, ज़ैनब में कुलसूम के रोने की आवाज इनके कानों में जाए, ए मौला जरा सा आइए है, अरे बाद करबला यही ज़ैनब में कुलसूम शाम से कूफा कूफे से शाम दयार बदयार फिराई जा रही है, ऐ मौला आपने वो मंजर कैसे देखा होगा कि जब आपकी बेटियां यजीद के दरबार में और 700 कुर्सी नशीनों का हुजूम और अली की बेटियां बेमकनऊ चादर दरबार में जा रही हैं। वसयालम الذين ظلموا ايما قلب ينقلبون انا لله وانا اليه راجعون। खुदाया हमसे इस कलील सी इबादत को कबूल फरमा, खुदाया हमसे इस तवस्सुल को कबूल फरमा, खुदाया इस मजलिस का जुबानियान मजलिस खुदा उनकी तौफीकात में मजीद इजाफा फरमा, खुदाया हम सब को सीरत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर चलने की तौफीक इनायत फरमा, खुदाया जहाँ जहाँ भी मौला के चाहने वाले उनकी इज्जत माला अबरू की हिफाजत फरमा, परचमे इस्लाम को सरबलंद फरमा, परचमे कुफ्र व निफाक को सरनिगु फरमा, उलमाए किराम की हिफाजत फरमा, मराजे किराम को तूल उम्र में सेहत इनायत फरमा, खुदाया जितने मोमिनीन व मोमिनात अलील हैं तुझे वास्ता है बीमार करबला का, तुझे वास्ता है बीमार मदीना हजरत सौरा सलामुल्लाह अलैहा का, खुदाया उन्हें जल्द अज जल्द शिफाए कामिला इनायत फरमा, खुदाया तेरी बारगाह में दुआ है जल्द अज जल्द जन्नतुल बकी की तामीर मरहमत फरमा, खुदाया हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सब को आका के मुखलिस गुलामों में शुमार फरमा, तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रो रो के अली क्यों लेते हैं ज़ैनब का नाम मुसल्ले पर, क्या याद अली को आया है बाजार शाम मुसल्ले पर, रो रो के अली क्यों लेते हैं
किस तरह हसन ने रो रो कर कि फजर तमाम मुसल्ले पर रो रो के अली जिद में चली आए ज़ैनब बाबा को जाकर कह दो फिज़ा मेरा पैगाम मुसल्ले पर रो रो के अली क्यों लेते हैं ज़ैनब का नाम मुसल्ले पर जख्मी पहलू जब याद आया जख्मी पेशानी भूल गया जहरा की मुसीबत पर रोया मजलूम इमाम मुसल्ले पर रो रो के अली पर उस गैरतदार की गुर्बत पर रोती है अली की गुर्बत भी 40 जो बरस जो कहता रहा अशाम शाम मुसल्ले पर रो रो के अली क्यों लेते हैं ज़ैनब का नाम मुसल्ले पर शबीर की जानिब से अकबर खातिल को पिलाया था शरबत जब याद अली को आया था एक तशना काम मुसल्ले पर रो रो के अली ज़ैनब का नाम मुसल्ले पर